तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। आज का वीडियो पे अपन रिएक्ट करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर्स ऑफ इंडिया एंड आल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया हु इज नन अदर देन गॉब्लिन। उसका टॉप 10 क्लचेस अभी देखने वाले हैं एंड देखते हैं उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या होगा। और ये सारे क्लचेस क्लासिक में होने वाले, सारे अच्छा खासा हाई लेवल T1 स्क्रिम्स में। तो हैशटैग #9 भाई, ये बहुत स्ट्रांग है इसका ड्रॉप शॉट, एक बार वापस देखना। इसका ड्रॉप शॉट एक्यूरेसी बहुत खतरनाक है, सही टाइम पे ड्रॉप और 180 मोड़ के हेडशॉट फिर से, भाई बहुत प्यारा है। तो वेरी नाइस, अगर ये हैशटैग 9 पे तो आगे वाले और खतरनाक होंगे शायद। टीम को डिस्टर्ब करेंगे बट यहां पर बढ़िया मौका है ओबे को गेम से बाहर करने का, बट मैट्रिक्स की तरफ से काफी अच्छा एक फ्री फायर और उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। अब सोल प्लेयर 4 आए गॉब्लिन है, इसका प्रोन शॉट देख के पता चल गया मुझे। अरे अरे प्रोन शॉट, ये 1v3 जा सकता है। अरे तीसरा भी प्रोन शॉट, अरे भाई कितने प्रोन शॉट मारेगा ये, इनविंसिबल है शायद ये प्रोन शॉट्स पे। इसका फेवरेट शॉट प्रोन शॉट है, समझ में आ गया। बोलो आराम से, हां पेड़ पे मार, पेड़ पे। हां वॉच आउट, नाइस। मैं भी मार रहा हूं, दो फटे दो फटे। और आई थिंक ये खेलता है फोर फिंगर, वो कर रहे हो वेरी नाइस। फिर से प्रोन शॉट, थर्ड पार्टी करने के लिए दूसरी स्क्वाड थी। अभी तक का मेरा फेवरेट था वो मिरामार वाला प्रोन शॉट वाला, बढ़िया था। आप इस तरीके से मौके नहीं दे सकते हो, ग्रेनेड स्काउट को मैच से बाहर करते हैं, साथ ही साथ एक नॉक भी यहां पे मिल जाता है और उसके बाद इनसेन। दिस वाज बैक इन द डे व्हेन ही हैज नॉट जॉइंड एसए ड्यूअल येट, तो पहला वो था इनसेन में, तो दिस इज इनसेन गॉब्लिन। वो भी इज द लास्ट मैच स्टैंडिंग। क्या टीम सोल इस ग्रेनेड के कारण बैक फुट में आ गए, बिल्कुल फुल बैक फुट पे चली गई, एक स्ट्रांग चल चुकी है, एक बूम ग्रेनेड बोल सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्लच रहेगा यहां पर टीम सोल मावी की तरफ से। और गॉब्लिन जिस तरह से जा रहे हैं, आई डोंट थिंक मुश्किल पे यहां पर डाल दिया गया है, लेकिन एफर्ट मावी वर्सेस गॉब्लिन। चलो उसका पीओवी अभी, इसने नॉक दिया उधर सामने, जब से बढ़ गया नॉक। कितने दो बंदे नॉक, क्या एक और फोड़ दिया। ठीक है ठीक है, तुम दोनों एक गाड़ी के पीछे मत रहो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है इधर से उधर मारना, पेड़ ना इजी नहीं है। जाओ पबजी लेके जा, जा मैं जा डिस्ट्रक्ट कर, जा नहीं हो जा। अकेला ही पूरा टीम को संभाल रहा है, ये लेटा लेटा इधर ही। ओ मावी, अरे मावी का एक भी गोली नहीं लगी, इसका सारे गोली लगी उसको। नॉक करो नॉक करो, पहले क्लच नंबर 5 भाई साहब, मैं कवर नहीं दे सकता, इन पे स्नाइपर है। कितना एक्यूरेट ग्रेनेड है, लेफ्ट वाले बंदे में मैं क्या है, थोड़ा सा मुक्केबाजी चलते हुए वहीं खड़ी अंदर वाले के अंदर खड़ी है। इसके ग्रेनेड्स और प्रोन शॉट बहुत स्ट्रांग है, बाप रे ये तो मिस करता है ना रे ग्रेनेड्स। इंसेन वाले आ रहे हैं, इंसेन वाले आ रहे हैं, स्मोक बॉल बना के इंसेन वाले अपने माने वाले, रेडी रहो। इसको भी मुक्का मारने वाला है क्या, अरे बहन तेरी मां, ए इंसेन को देख ले भाई। IGL देख रहे हो, IGL तो पूरा लेफ्ट राइट कर रहे हैं इनको। एक और बंदे, हाय 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 हाय, टू गुड। क्लच नंबर 3 गॉब्लिन ने एक को नॉक किया एनिग्मा को,
ये एनिग्मा वो है जो पिछले गेम को अपना बना करके गए थे, लेकिन उनके ऊपर सोल हावी होती नजर आ रही। गोब्लिन की बात कर आप देखिए, वेपन स्विच किया जाएगा। इनफैक्ट एक शॉट ही यहां पर एगी को नॉक किया इसने, वो शॉट लग चुका दूरदराज के एरिया से। एनिग्मा गैलेक्सी भी कोशिश कर सकते हैं, इनफैक्ट थोड़ा सा डैमेज यहां पर गोब्लिन को पड़ा हुआ जरूर है। अरे जोनाथन ने किल चोरी कर दिया इसका बेचारा। और हेक्टर इधर अपने ईएसपी से देखते हुए मजाक कर रहा है यार, स्पेक्टेड मोड में है ना, दिखता है सर। नहीं क्रॉसिंग में पिटेगा भैया, अभी ने नॉक किया। जलो पुश कर रहे राइट से, आइजल को प्रेफरेंस देंगे क्या वो वहां पर जाकर रेक्सटी को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उस स्मोक की दीवार के अंदर रेक्स का पेटी रंगे समझ में आ गया। तीन बंदे मार दिया गोब्लिन ने एनिग्मा के, बट उसमें जॉनी ने एक किल चोरी कर दिया। अब अभी को पकड़ेंगे, सीधा अभी पे स्लैम देंगे गारंटेड। कुछ क्षणों में यहाँ पर सोल पता है। चलो खत्म, सीधा स्लैम जाकर के देखे, अपने आइजल को भी रिवाइव करना है, वो भी तो जरूरी है। यहाँ पर फ्री नेट्स किए जा रहे हैं अभी के द्वारा, मतलब अपने घर के बारे में, अपने एरिया के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी चल चल चल, थोड़ी सी चपेट में आते, वो फिनिश नहीं देना चाहते, थोड़ी देर के लिए भाग रहे, लेकिन वो फिनिश लेना सोल के लिए जरूरी है। एक पकड़न पकड़ाई का खेल चलता हुआ, लेकिन भाई गोब्लिन का एकेएम बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस भी देखो इसका, बैकअप भी नहीं है, सीधा अकेला घुस रहा है। जो भी देख रहे हैं उनको लग रहा है क्लच इजी था, भाई बिल्कुल नहीं, एकदम टीम वर्क दिख रहा है इस क्लच में, टीम वर्क एंड कॉन्फिडेंस। कोशिश करेंगे कि स्मोक कर कर गोब्लिन अभी को नॉक किया आएगा यार, अभी को उड़ा दिया आकर फिर एगी को नॉक, गोब्लिन ने एगी को भी नॉक कर दिया। ओए होए होए, एनजीएक्स भी मार रहा है, एगी का कवर ले तो रहे हैं, बट ऊपर से एनर्जी ड्रीम लोग के सामने इवो और एमजे भी उनके लिए कठिनाइयां बढ़ाते जा रहे हैं। लैम्बो ग्रेनेड की कोशिश अभी कनेक्ट होने वाला है, ग्रेनेड और एक जो फिनिश था अभी पे वो हो चुका है कंफर्म। और जॉनी के लेवल पे शायद इसका ग्रेनेड्स, ये मिस करते नहीं ग्रेनेड्स, जॉनी में बिल्कुल ही नहीं करता ग्रेनेड्स। उसका पीओवी दिखा रहे, ए गाड़ी से कुचल दिया इसको। भाई इसका पीओए में देखने में तो हार्ड लग रहा है, वो भी वो लो है, लो है, बहुत लो है। आखिरी बंदा बचा है, एनिग्मा वाइज स्पॉट करना पड़ेगा। हर कोई देखना चाहेगा किस तरीके से होती है, एंड सोल के प्लेयर्स तैयार हैं, काइनेटिक के प्लेयर्स दूसरी तरफ। मिस होगा ही नहीं, काइनेटिक आएगा, सिर्फ आई एम नॉट होगा नहीं ग्रेनेड राउंड 3 के अंदर, राउंड 4 के अंदर एक बहुत बहुत बढ़िया चिकन ड्राइव था मेरा मार्बल ने, चीज को रोकना चाहती है यहां पर टीम सोल। इस बार वैसा गेम नहीं चाहिए, तो इसलिए गोब्लिन की तरफ से थ्रोएबल्स आ रहे थे, एंड शायद इसको दिख गया हो उसी के साथ सही किया गया था, एंड वो कुकिंग बिल्कुल मौका नहीं छोड़े निंजा के साथ हो गए। अकेला बचा है गोब्लिन इसका टीम में, गोब्लिन जो है यहां पे क्लच कर पाएंगे या नहीं, नीचे जॉर्ड के अभी काफी अमेजिंग नॉक किया ने, नाउ फाइनली यहां पे जोन भी आ चुका है, डैमेज लेते हुए गोब्लिन यहां पे 1v1 लेना चाहेंगे, बट लेट्स सी फिलहाल के लिए किस तरीके से गोब्लिन चीज को डील करना चाहेंगे। निंजा रेव हो गया क्या बाहर आकर के फिलहाल के लिए? ओए होए निंजा रेव हो गया नहीं है, बट लेट्स सी एक के पुश करके एलिमिनेट करना काफी, बट इसके पास एक गेम है, मेरे को भरोसा है ये डालेगा, एक दो पड़ डालेगा, इनके पास दूसरा रहने वाला, बट लेट्स सी के भाई हील करना इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट विल सी फिलहाल के लिए हील करने के बाद। अरे मुक्का मार रे बे, दूसरा नॉक बचाएंगे, दूसरा नॉक या तीसरा नॉक की करीब काफी ज्यादा करीब प्लस यहां पे साथ से करते हुए देखने को मिल सकता है। यस 1v3 क्विक गोब्लिन हियर द गॉड प्लेयर्स हियर, नाउ फाइनली ही इज हीलिंग हिमसेल्फ। एक और शॉट खत्म है, खत्म, क्लच है, क्लच है, अकेला बचा
पनिश भी कर दिया इसने, उसको मारेगा सबसे पहले शायद। तीनों प्लेयर एक साथ कर रहे, जानते हैं बहुत ही ज्यादा। ऊपर वाले को दे, ऊपर वाले को दे, एक भी चूक नहीं की जा रही, सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जल्दबाजी एलजेड की तरफ से नहीं दिखने को, बट 7C की एंट्री आ रही है। गॉब्लिन लेफ्ट साइड भी स्मोक कर बैठेंगे, राइट साइड पे ऑलरेडी स्मोक किए थे। अब ना तो दो बंदे नॉक करना पड़ेगा, डैमेज की बात करें तो अब दो बंदे नॉक कर चुके हैं। गॉब्लिन को आप मौका नहीं देंगे, वरना इस तरीके से वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अपडेट किया गया 1v2 यहां पे ऑलरेडी, अभी देखने को मिला ट्रिपल 1v3। सारंग आ गया, सारंग को भी नॉक करेगा मेरे को लगता है। अब आ रहे हो गॉब्लिन ऑलरेडी फाइट में, देखिए 1v4 भी ऑलमोस्ट हो गया यहां पर जो लग रहा था मुझे आवाज, लेकिन 7c मार मार बचा नहीं हुआ। बट क्या जो गलती LZD की थी, क्या वो करते होने जाएंगे? वोल्ट ऑफ किया क्या ऑलमोस्ट, क्या बात है, क्या मार रहा है, क्या यहाँ पर एक और क्लच देखने को मिल सकता है, ट्राई किया जा रहा है। ओए होए कर दी गई है यहाँ पर टॉप क्लास ब्रो, बुलेट अब है यहाँ पर दूसरे कलर के ऊपर, अगर वो जा रहे हैं तो दूसरा नॉकआउट भी निकाल देंगे। जी हाँ वो निकाला गया है, बट आपके भी सो फार ऑलरेडी ये वन ऑफ द बेस्ट क्लचेस मैंने देखा है ना, ये वाला क्लिप यार अभी तक मैंने नहीं देखा, बहुत मस्त। दो खिलाड़ी बचे हुए, एक और फर्स्ट एड किट यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, फर्स्ट एड किट लगा दीजिए, एक और नॉक, लेकिन ये काफी धमाकेदार एक क्लच होता हुआ नजर आएगा। गमला बॉय आखिरी बचे हुए हैं, 3 सेकंड यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन क्या 7C का आखिरी बंदा बहुत सही खेला उसने, बहुत सही खेला उसने। एंटी रे गॉब्लिन एंटी बहुत अच्छा खेला इधर, बहुत अच्छा खेला, रिफ्लेक्स एक्यूरेसी अवेयरनेस गेम सेंस शायद वहां पर वो एक डेफिनेटली वो हैशटैग #1 वाला क्लच ही था भाई। विश लास्ट बंदा को भी मार दे, बट इट इज व्हाट इट इज, कोई हल्के में ले नहीं सकते किसी को भी। तो दीज आर द टॉप 10 क्लचेस ऑफ गॉब्लिन, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, एंड नेक्स्ट मैं किस पे रिएक्ट करूं कमेंट करके बताना गाइस। एंड इस वीडियो का लाइक गोल अपन रखते 10k लाइक्स का, 10k लाइक्स कंप्लीट होते ही नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।